आज हम ये पिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये पेशेंट हमारे पास अफगानिस्तान से आए हैं, वैसे दिल्ली में भी काम करते हैं ये, और इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी हमें दिखाई। 10 प्लास्टिक सर्जन इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे सर्जरी के लिए। बड़ी अच्छी बात है, आपको भी हमेशा सर्च करके ही सर्जरी करनी चाहिए। फिर इन्होंने हमारे वीडियोस देखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी सर्जरीज पूरे इंडिया में हमने की है और उनके वीडियोस बनाए हैं पूरे इंडिया में, और सबसे पहले शुरुआत भी की, फर्स्ट सर्जरी जो है डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो हमने कहीं देखी हो हमने की 2020 में, चार पाँच साल पहले। हालांकि ऐसा नहीं कि उससे पहले सर्जरी नहीं हुई होगी, हुई होगी कहीं ना कहीं, लेकिन इक्की दुखी, लेकिन उसके बाद से रेगुलरली हम सर्जरी कर रहे हैं। तो इन्होंने जैसे देखा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और हमारे कई वीडियोस देखे, तो इन्होंने हमें चुना। ये सर्जरी में एक बड़ी खास बात है कि बहुत से लोगों को डाउट था कि सर्जरी काम करती है नहीं करती, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है और अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रहे हैं इस सर्जरी को। और धीरे धीरे जब शुरू में हमने ये सर्जरी की थी तो बहुत बड़ा इंसिजन देते थे पेनिस के ऊपर पेनाइल लेंथनिंग करने के लिए, लेकिन अब वो इंसिजन बिल्कुल ही छोटा हो गया है, जिस कारण से उसका बिल्कुल कम निशान कुछ भी नहीं आता, दिखाई नहीं देता। 6 महीने बाद बिल्कुल ही वो कम हो जाता है और हल्का हो जाता है, और बालों में होता है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एक ये इसमें बड़ा अच्छा फ़र्क आया है। दूसरा फ़र्क ये आया है कि जो फैट है उसकी जो पहले डिफाइंड थी जिस जगह से डलता है, वहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती थी, एक गाँठ सी बन जाती थी, लेकिन अब वो हमने उसको बिल्कुल उसको भी मॉडिफाई करके उसकी सही जगह निकाल दी है कि अब यहाँ पे यहाँ से फैट डालते हैं तो ये प्रॉब्लम भी अब कभी नहीं आती। और फैट की भी जो सर्वाइवल रेट है वो हर सर्जरी के साथ, हर साल के साथ वो बढ़ता चला गया, और अब काफ़ी हमने इसमें जिस तरह से मतलब थोड़ी एक्सपर्टीज हुई गई है इतने साल काम करते हुए। कोई भी किसी भी सर्जरी को अगर आप लगातार करोगे करते रहोगे तो आप ये तो है ही कि दूसरों से बेटर करने लग जाओगे, तो हर सर्जरी के साथ ही होता है। और किसी भी एक सर्जरी को फोकस करोगे, आप सिर्फ वही सर्जरी चुनोगे तो बेटर है, जिसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो थोड़ी कम सर्जरीज करोगे तो आप जो सर्जरीज करोगे दूसरों से बेटर करोगे, अगर हर तरह की सर्जरीज करने लग जाओगे तो हर सर्जरी में एवरेज हो जाओगे। तो हमने जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी को चुना, अपकमिंग फील्ड थी, इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, हालांकि अमेरिका में तो बहुत पॉपुलर है लेकिन इंडिया में बहुत लोग नहीं कर रहे थे, तो हमने इसको चुना कि भाई जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करते हैं, कोई नहीं कर रहा। और इस तरह से हमने पिनाइल लेंथनिंग, फैट ग्राफ्टिंग, मेल और फीमेल दोनों में इन सर्जरीज को पॉपुलर किया। अब तो बहुत लोग आके हमसे कराते हैं और सेफ है, सबसे अच्छी बात है इस सर्जरी की, बिल्कुल सेफ है, आप इसको करा सकते हैं बिना किसी डर के, और रिकवरी बहुत फास्ट है और पेन भी नहीं होता। ये ऐसा भी नहीं कि आप कराओ, इतनी अच्छी बात है, ना पेन होता है ना रिकवरी फास्ट है, टाके भी ऐसे नहीं लगते कि आपको निकलवाने पड़े, निशान भी बहुत कम आता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ठीक सर्जरी है, कोई भी आके कहीं करा सकता है, अगले दिन जा सकता है, घर जाके उसको पट्टी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी है, नहीं तो पेशेंट बाद में परेशान होता रहे पट्टी कहाँ करानी है, कहाँ इसको दिखाना है, तो वो भी इसमें ये इशू नहीं होता। तो इस तरह से इस सर्जरी को धीरे 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 अब हमने बहुत पेशेंट फ्रेंडली बना दिए, तो अब कोई भी आके इसे चूज़ कर सकता है।